तेरे मरिया तेरे बब्बा के हाथ में मटको आए उठत होय ना बब्बा भीतर दे जाओ कुत्ते आओ कहता पकड़ी ले तेरे मरिया ज्वाला मारो अरे भैया भीतर के तो है अरे बहन हाँ बहन मैं इनका चरण छुई सुखी रहो बहन ऐसो करो हाँ थोड़ो तेल दे दो वहां चल के मेले मड़ैया पे मड़ैया पे हाँ वे झोपड़ी परी है तो जोर रहे बोलो प्राण ले आ जाओ भाई क्या दे रही है चलो भाई मेरे बेचारे काम हो आ जाओ ये रख लो ये आदमी मैं बुला लाई एक बात खड़ी है ले सुनैया जी जी बोलो कैसे बोल रहे हो तुम्हारे अंदर के बोलो हाँ आप ना बोले सही बोलो हाँ तुम्हारे कोई बात नहीं बहन हेलो आप अपने लटिया में देखो कि तुम्हारा तेल बिल्कुल नहीं कमा होगा अरे रुक जाओ अरे एक बात बताओ राठौनी तुम्हारा कितना तेल है मेरे हाँ जो पीपा है अच्छा इसमें करीबन में दस तो है और दुकानदारी कितने की हो जाती है तुम्हारी ऐसे हो जाते हैं 150 रुपए की अच्छा ठीक है ठीक है सुनो मैं तुम्हारा बस से तेल नहीं लूंगा मैं तुम्हारे दुआएं देंगे ऐसी कोई बात नहीं है आपका दिल नहीं टूटे और आपको कोई परेशानी नहीं पहुंचे हलाओ माशा गए पोष पांच के भल्ले जाए हो जाए चिंता मत करो बताए हाँ दूल्हे को तेला तुम्हारो बिक जाए गोरा
पुजारी अपनी दुकानदारी करें जा करके। शासक इतने पुजारी होते तो यही क्यों परे होते। और सुनो, अगर फायदा हो जाए तो कल आओ दे जाइयो। क्या चीज देगा? अरे तेल बता रहे हैं। तो पहले तेल का नाम लियो करो ना। हाँ जाओ, फायदा हो जाए तो आइयो, ना फायदा हो तो कोई बात नहीं। अरे मेरी पेशाब में छा गाली ऐसे मत करो। हाँ
रुपया पूरे ले आई जा बता पैम पैम ए आज मन कर हा कैसे कर रही है हैं कर रही है जा बता दे तेल बच्ची को हां और दाम पर मतलब काहे जो कहां से लाई ले तुम्हें जग में सको नहीं कछु मालूम है ठाकुर से निगाह लड़ाई ठाकुर तो मेरी तरह खोद कम तेज मार भैया हाँ अरे भैया रोटी तो सरदा तुम्हें बताऊं तो छोड़ मैं गई सिंध नदी के पास चली गई मैं सिंध नदी के पास हां तो वहां झोपड़ी जब बता दे नदी कितनी कितनी परी ए नदी नेक नेकी कितनी कितनी एक पार गई मैं एक टांग पर नदी बारे भैया ये तो जल परो बहन जो सब बहन माता री चुदके जा रही कह रही है नदी पार है तो तुम घंटे में लंबी हो और हाँ